कहाँ रह गए यार ये लोग? अगर लेट आने का कोई अवार्ड होता ना तो इन चारों को मिल जाता। तू आज भी जल्दी आ गया? मैं जल्दी नहीं आया, मैं टाइम पे आया हूँ। हाँ तो तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी है, 10 और काम होते हैं हमें। यार तुम लोग घर जाके लड़ लेना, अभी ऑर्डर करें कुछ। हाँ यार बहुत भूख लग रही है। अबे हाँ, एंड बाय द वे मुवीन ट्रीट दे रहा है। अबे पागल हो गया क्या, किस खुशी में? शादी में आया क्या तू? अच्छा एक बात बताओ, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स किसके हो गए? अच्छा मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर को तो ट्रीट लेने आ गए। किसी एक व्लॉग में तुम लोग आए नहीं हो और जैसे ही 1,00,000 सब्सक्राइबर होगा तो ट्रीट लेने आ गए। अरे तो क्या हो गया, आज आ जाएंगे ना, और वैसे भी आप व्लॉग तो कर ही रहे हैं। अच्छा ठीक है तो फिर आज ही आ जाओ व्लॉग में। बनाओ बनाओ, मैं तो तैयार हो गया आया हूं। ऑर्डर कर लो कुछ। मेन्यू मेन्यू। हाँ तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट पे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100K सब्सक्राइबर। यार गाइस मैं ये सोच रहा था ठंड काफी आ गई है, कुछ प्लान करें? कैंपिंग करते हैं। अरे हाँ जैसे तू किस कराची में रहता है, कहाँ ठंड आई है यहाँ? पर कराची में कैंपिंग कौन करता है? मुबीन भाई कराची की कौन बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद का कह रहे हो? अच्छा इस्लामाबाद, अबे हाँ मैं व्लॉग बनाऊंगा वहाँ। ऑब्वियसली इस्लामाबाद के बारे में बात कर रहा था, मतलब यहाँ ठंड तो आती ही नहीं है, वहाँ पर अच्छे कैंपिंग स्पॉट्स भी हैं और ठंड भी वहाँ पर सही होती है, तो यहाँ क्यों करेंगे? भाई मेरा तो अभी से डन है, आई रियली नीड अ ब्रेक। मेरा भी डन है भाई, मैं तो व्लॉगिंग करूंगा वहाँ फुल। परसों चले? नहीं यार एकदम परसों नहीं, मतलब घर पे जरा बताना होगा, थोड़ी परमिशन चाहिए होगी, तो एक दो दिन बाद देखते हैं। अबे समी तेरे भी परमिशन के मसले आएंगे, क्या दिन आ गया यार। नहीं गाइस बट सीरियसली कल बैठते हैं इस पे प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं और प्लान करते हैं ताकि इसी हफ्ते हम लोग निकल जाएं। तो दोस्तों हमारा प्लान यही बन गया है, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद कैंपिंग करने। अरे यार मुबीन बस कर दे व्लॉगिंग, तेरी सारी ऑडियंस आ जाएगी हमारे प्लान में। अच्छा ना। अबे हाँ मुमीन अभी बंद कर। तो गाइस कल हम लोग शाम में मिल रहे हैं मेरे घर पे। हाँ हाँ डन है, सेट है, डन है, फाइनल करना है कल। डन है। कितना रह गया यार, ये कब से बुलाया हुआ है? तो आज भी जल्दी आ गया, शाम में बुलाया था रात में नहीं, अब पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अच्छा सुन एक मसला हो गया, अब्बा नहीं माने ना तेरे? हाँ। अबे क्या ढूंढ रहा है तू? ना तू ये पहन के घुमा कर, तेरे लिए बनी है। अबे तो बकवास करना बंद करेगा, एक तो मुझे वैसी टेंशन है, ये लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो गोली मार देंगे मुझे। तो गोली मार भी देनी चाहिए, खैर अब क्या कर सकते हैं, नहीं माने यार। खैर अब रास्ते में सोच लेना कोई टोपी अच्छी सी। अबे यार सुना है इस्लामाबाद में बड़ी ठंड हो रही है यार, मतलब कोट्स वगैरह भी पैक करने होंगे? हाँ हाँ कोट्स रख लो भाई। कराची वाला सीन तो नहीं अजीब? कराची में सर्दी आती नहीं तुम्हें पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ गए तुम लोग। समी मुबीन की वजह से तू भी लेट आया। क्या करूं भाई साहब को पिक जो करना था, भाई साहब ने फिर गाड़ी मार दी, मैकेनिक के पास खड़ी हुई है। मुबीन एक तो हर दूसरे दिन तुम्हारी गाड़ी लगी भी होती कहीं ना कहीं। अबे जाने दो यार, ये चाय मेरी है। हाँ तुम्हारी है। अच्छा गाइस सब लोग आ गए ना, तो मैंने प्लान बना लिया, प्लान सुन लो ठीक है। अच्छा सीन ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद बाय एयर, वहाँ पर मैंने गाड़ी बुक कर ली है, तो गाड़ी में हम सबसे पहले जाएंगे होटल, होटल हम चेक इन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अगर किसी को बाहर जाना है बाहर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाएंगे हाइक पे, हाइकिंग करते हुए हम ऊपर पहुँचेंगे, जब ऊपर पहुँचेंगे वहाँ हम अपना कैंप लगाएंगे, बॉनफायर लगाएंगे, तिक्के शिक्के बनाएंगे, मजा आएगा। डन है? डन हो गया, डन हो गया। टिकट करवा लूँ फिर? यार जैसी प्लान थोड़ा सा चेंज है। अरे मुबीन भाई इस दफा प्लान चेंज नहीं कर रहे हम लोग। हाँ इतना लंबा प्लान थोड़ी है मुबीन भाई, इतना अच्छा प्लान तो बनाया अब कुछ चेंज नहीं करें भाई। यार वो असल में अब्बा ज्यादा पखराट कर रहे हैं। आपके भी अब्बा वाले मसले हैं? रहने दे मुबीन, ये सब टोपियां हैं, अगर तू अब्बा से बात कर लेता ना वो मान जाते हैं, तुम्हें बस जाना नहीं है, साफ बात है। अरे 2 हफ्ते के बाद असल में बहन की शादी है, तो वो तमाम काम जो है ना मुझे ही करना है, अब्बा तुझे पता है वो अकेले नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ। अरे 4 दिन में वापसी भी हो जाएगी, पिछले साल भी हम नहीं जा पाए, तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। अरे याद नहीं हमारा फेरी मेडोज का प्लान था,
सब बर्बाद हो गया था तुम्हारी वजह से। हाँ इस दफा इनकी टोपियों में नहीं आने वाले हम लोग। भाई मैं तो जा रही हूँ। हाँ भाई मैंने सारे कपड़े भी ले लिए और पैकिंग भी कर ली है। पता है क्या मैं कहता हूँ, इसको कटाओ, हम चारों अपने टिकट करा लेते हैं, हम चलते हैं। एग्जैक्टली मैं चार टिकट करवा रहा हूँ। डन है। एक काम कर रिदा, समी, आयशा, नॉट यू, अपने NICs भेज दो, ठीक है? हाँ भेजती हूँ। हाँ मैं भेजती हूँ अभी। देख मिल गया। यार यहाँ तो काफी ठंड है। हाँ और मुझे लगता है कि रात तक ना और बढ़ जाएगी। I'm pretty sure. अबे अच्छा हुआ मैंने लास्ट मिनट शॉपिंग कर ली। एक तो इसको सिर्फ शॉपिंग ही पड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या मसला है? यार तुम दोनों दो मिनट चुप करोगे? हर वक्त लड़ते रहते हो, मेरी स्टोरी बर्बाद कर दी। यार वैसे इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, वो भी इनको साथ होना चाहिए था। उसके कितने व्लॉग्स बन जाते, कितने व्यूज आते। मैं बहुत व्लॉग्स बना सकता था। अच्छा वैसे काम करते हैं, अभी हम होटल जाएंगे और सिर्फ एक घंटा है तुम लोगों के पास। एक घंटे में जो भी करना है कर लो, तैयार होना है, फ्रेशन अप होना है, बस एक घंटा है तुम लोगों के पास। अरे एक घंटे में क्यों, मैं तो सोची थी हम लोग आराम कर लेंगे अभी। अरे रिदा हम लोग इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद में वैसे अंधेरा जल्दी हो जाता है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक घंटा है तो तैयार हो जाओ, फिर हम घूम लेंगे थोड़ा। हाँ डन है, डन है। कैसा है? बहुत मजेगा है। हाँ अच्छा है, ठंड भी अच्छी खासी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कैंपिंग वैम्पिंग छोड़ो, हाइकिंग वाइकिंग छोड़ो, अभी होटल जाके चिल करते हैं। कल सुबह मॉल शॉल चले जाएंगे और रात में मुनाल में डिनर कर लेंगे और बस। जैसे मॉल और होटल जो है ना कराची में भी थे, इस्लामाबाद आने का क्या फायदा फिर? मैं हाँ यार जैसे सारा प्लान नहीं खराब कर। हाँ यार हम कैंपिंग करेंगे, मैं उसी हिसाब से सारे कपड़े लेकर आई हूँ। यार एक बार तो बॉरिस ने अपने कपड़ों का बोला ना, तो सारे कपड़ों को मैं आग लगा दूंगा और इसके सूटकेस को भी आग लगा दूंगा कल के बॉनफायर में। उसी आग में मैं तुम्हारी बोटियां बना के खाऊंगी। गाइस रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था,
वी स्टिकिंग टू द प्लान, वही सेम चीज़ होगी। गांग भरेंगे, सुबह उठेंगे, पहले हम हाइकिंग पे जाएंगे, हाइकिंग करने के बाद हम थक जाएंगे, फिर स्टोर पे रुक के तिक्के शिक्के ले लेंगे, फिर कैंपिंग साइट पे चले जाएंगे, फिर बॉनफायर लगाएंगे, क्या मजा आएगा, वूहू, फुल पार्टी सीन। यार ये सीन डन है, डन है, ये हुई ना बात। यार वैसे मैं सोच रही हूँ बेचारे मुबीन भाई बहुत मिस करने वाले हैं। मैं अपनी हर स्टोरी में ना उनको टैग कर रही हूँ जानबूझ के। अरे तुम्हें काम कर, मुबीन को फोन तो लगा वीडियो कॉल पे। नहीं यार तुम लोग कितना जलाओगे से। अरे करो ना यार, जलाने में मजा आता है। कर कर कर। हेलो, हाँ मुबीन। हेलो मुबीन भाई। अरे मुबीन कैसा है यार, देख ठंड हो रही है, हम जैकेट्स पहने में। और पता है सुबह हम लोग हाइकिंग भी करने जाने वाले हैं। ठीक। और फिर कैंपिंग भी करेंगे और बॉनफायर भी होगी वहाँ पे। क्या करूं? देखो बारबेक्यू है, ठंड हो रही है, सब कुछ है, टिक्के होंगे, बोटियां होंगी, ओए ओए कोल्ड ड्रिंक्स होगी, मजा आने वाला है। अच्छा अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है मुझे, अच्छा मजा मजा आ रहा है। खैर तू तो बहन की शादी में मसरूफ होगा। अरे उड़ा लो उड़ा लो, मजा उड़ा लो, देख लूंगा बेटा तुम लोगों को मैं। अबे देख मैं भी आज जो है ना फुल एंजॉय कर रहा हूं, कजन वसन जा रहे हैं, शादी में फुल मजा आ रहा है मुझे, तो इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। चल मुबीन हम निकलते हैं, अभी खाना ठंडा हो रहा है। ओके यार तुम लोग बहुत बुरा करते हो मूवी के साथ, बेचारा जल जल के भून गया होगा। अच्छा जल जल्दी खाना खाओ, ठंडा हो रहा है भाई। हाँ हाँ वाकई ठंडा हो गया एकदम। अरे सनी पुलाव देना। बाप रे, टाइट यार, बहुत आला।